उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा मिलने की उम्मीद जगी। बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साह ने कहा कि देश के विभाजन के बाद लाखों हिंदू बंगाली समाज के लोगों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसाया गया था, परंतु भारतवर्ष के 8 राज्यों में बंगाली समाज के कुछ उपजातियां को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा प्राप्त है। केवल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बंगाली समाज के अनुसूचित जाति में केवल छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिसको लेकर बंगाली महासभा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष उक्त समस्याओं निदान के लिए गुहार लगाई, जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने मामले को गंभीरता से देखते हुए दोनों राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने केंद्र सरकार एवं दोनों प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 माह के भीतर उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में बसे बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा दिए जाने का आदेश पारित कर दिया है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी व्यथा को सुना, जाना और CA लागू होने जा रहा है। और CA के साथ साथ जो हम लोग अखंड भारत के नागरिक हैं, हम लोग अपने मन से नहीं आए, हमको जंगल में लेकर डाल दिया गया, हमको मारने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी हमारी बात को समझेंगे, हमारी व्यथा को समझेंगे और हमको जो 8 राज्यों में हमको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है और हमारे भेदभाव करके हमारे बच्चों को तो अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, लेकिन हमको नौकरी में ही आरक्षण नहीं है। बंधुओं को नमस्कार। आज हमने बंगाली महासभा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ने एक रिट पिटीशन दायर किया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जैसा कि आपने कहा, अखंड भारत, हम अखंड भारत के लोग थे जो माइग्रेटेड होके इस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमें बसाया गया, जहां हमें भूमि और सब दिया गया। हमें वहां उत्तर प्रदेश होते समय हमें मात्र छात्रवृत्ति के लिए SC का दर्जा दिया गया, जिससे हमारे लोग बच्चे पढ़ सके। पूर्ण दर्जा हमें नहीं प्राप्त हुआ। आज हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिट पिटीशन दायर करते हुए हमने ये मांग की कि जो हमारा अपूर्ण दर्जा है उसको पूर्ण दर्जा में परिवर्तित करके हमें SC का पूर्ण लाभ दिया जाए, जिस पर पिछले कई महीने से हेयरिंग होते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सुनवाई होते हुए, भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ जनरल को वहां बुलाया गया, उत्तराखंड के सेक्रेटरी ब्रजेश संत को बुलाया गया, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अमित घोष, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस के अपर सचिव को बुलाया गया, उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी वहां बैठे, सभी को एक साथ एक मंच पे वहां खड़ा करके हमारे आदरणीय श्री अरुण हलदार जी ने, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, उन्हें पूरे प्रकरण को सुना और ये देखकर अचंभित हुए कि पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर इस प्रकार का अपूर्ण दर्जा दिया गया। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने पार किया, जिसमें बंगाली समाज और पूरी बंगाली महासभा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रहा, जिसमें हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा भारत सरकार को निर्देश जारी करते हुए कि इन सभी को 1 माह के अंदर अनुसूचित जाति में दर्ज, इन सबको दर्ज करते हुए 1 माह के अंदर SC का दर्जा दिया जाए, ऐसा निर्देश भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिया गया है, जो हमें लगता है कि अब हम 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हमारा भारत सरकार में यह आसानी से कार्य पूर्ण होगा और पूरे बंगाली समाज को, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को यह अनुसूचित जाति का दर्जा पूर्ण रूप से मिलेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।